करीब 2 साल बाद बिहार में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव का हाथ नीतीश कुमार ने थामकर सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया ही क्यों। आपको बता दें, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर असहजता हुई और गठबंधन में ऐसी दिक्कतें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर नजर आने लगी। मंत्रियों के चुनाव के जरिए अमित शाह द्वारा बिहार में कथित रूप से पकड़ बनाए रखने की कोशिशें लगातार की जा रही थीं और इससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा खफा थे। आपको बता दें, 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का जेडीयू से निकल जाना और जाते जाते नीतीश कुमार पर निशाना साधना भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार को पूरी तरह से कर गया। आपको बता दें, अमित शाह नीतीश कुमार की इस बगावत से काफी ज्यादा आहत हुए हैं। अमित शाह ने अंत तक नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की। करीबी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो बीते कल जब सीएम आवास पर विधायकों की बैठक चल रही थी, उस दौरान भी और उससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की, उनका विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश की, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने अमित शाह की एक ना सुनी। आज भाजपा के क्षेत्रीय नेता भले ही खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, खुलकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से शांत है और वो शांत इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार के इस कदम से सबको झटका लगा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।